16 महीना बीत जाने के बाद भी नहीं मिल पा रहा शहरी आवास योजना का लाभ। मकान अधूरा पड़ा है बनने के लिए, लेकिन दूसरी किस्त अभी तक नहीं मिल पाई है। पीड़िता ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। मैनपुरी शहरी आवास योजना की पहली किस्त के बाद 16 महीना बीत गए हैं, उसके बावजूद भी पीड़िता को नहीं मिली दूसरी किस्त, जिसके कारण कड़ाके की ठंड में अधूरे पड़े मकान में पल्ली के नीचे पीड़िता अपने परिवार के साथ रह रही है और गुजर बसर कर रही है। पीड़िता ने जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? आज आप जिलाधिकारी कार्यालय आई हैं, क्या शिकायत है आपकी? हमारी किस्त नहीं है दूसरी वाली। हाँ, 16 महीने हो गए, कई बार गए वहाँ डूडा ऑफिस, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कह देते हैं डूडा ऑफिस को? ये कहते हैं आपके कागजों में कोई कमी है, इसलिए नहीं आ पा रहे किस्त। अच्छा, कैसे रह रहे हैं आप लोग, जीवन यापन कैसे कर रहे हैं वहाँ? कैसे क्या, अधिकार बना है, पन्नी पड़ी है, उसी में रह रहे हैं। कहाँ रहती हैं? सर इसे 16 महीने हो चुके हैं सर। हाँ। और हम डीएम साहब को शिकायत करना चाहते हैं। हाँ। और पॉलीथीन वगैरह उसमें रह रहे हैं सर, काफ़ी टाइम हो चुका है। हाँ। और मेहनत मजदूरी करते हैं सर, पल्लेदारी करते हैं सर। अब नहीं तो किस चीज़ की किस्त रह गई, क्या है सर? 50,000 किस्त आ चुकी है हमारी, उसके बाद जो अदर किस्त है वो सर अभी आई नहीं है, जबकि हमसे पहले जो पहली किस्तें सारी सबकी दूसरी किस्तें भी आ चुकी हैं सर, पर हमारी पहली के बाद दूसरी किस्त अभी तक नहीं आई है सर। अच्छा, ये आवास का है क्या? आवास का है सर। अच्छा, कहाँ किस जगह रहते हैं आप? सर मैं गढ़िया रहता हूँ, डीएम आवास के पास रहता हूँ सर।